कर्नाटक में इस वक्त अरुण गोविल के समर्थन में आप देखें कि रोड शो निकाला जा रहा है। ये अरुण गोविल और केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, तमाम सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। एक समर्थकों का बड़ा हुजूम मेरठ की सड़क पर इस वक्त जमा है। तमाम सारे जो नेता हैं वो यहां पर जमा हैं और ये जो पूरा रोड शो है वो अब यहां से धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये देखिए आप, महिला समर्थक जो है गाते नाचते हुए यहां से निकल रही हैं और जो अरुण गोविल हैं उनको मेरठ के टिकट से उतारा, मेरठ की सीट से उतारा गया है। अरुण गोविल के बारे में मैं आपको बताऊं कि 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो अरुण गोविल की यहां पर हुई है और उसके बाद में लंबे समय के बाद में अरुण गोविल फिर से मेरठ से एक सियासी शुरुआत कर रहे हैं और पूरा नाचते गाते हुए जो समर्थक हैं ये आप देखिए यहां से निकल रहे हैं। तो ये बीजेपी की कोशिश है कि अरुण गोविल पहली बार लोकसभा का चुनाव यहां से लड़ रहे हैं तो एक मूवमेंट बनाया जाए, एक यहां से पूरा जो है वो पदाधिकारियों में उत्साह भरा जाए। और यही वजह है कि आप देखिए आज बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक जो है वो मेरठ की सड़कों पर अरुण गोविल जो कि अब तक राम के किरदार में थे उनके लिए समर्थन यहाँ पर मांग रहे हैं। ये देखिए ये महिलाएं हैं, ये उत्साह है और इसके वजह से आप देखिए कि बहुत सारे जो भाजपा के समर्थक हैं वो इसी उत्साह के लिए वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये आप देखिए कि अरुण गोविल जो कि मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में यहाँ पर रोड शो किया जा रहा है। ये एक सियासी रंग है और इस सियासी रंग में आप देखिए लोग घूम रहे हैं, नाचते गाते सड़कों पर निकले हुए हैं। मेरठ से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।